आज की कक्षा में हम अपनी हिंदी पुस्तक साहित्य सौरभ के कहानी साहित्य के पाठ व्यथा का सरगम के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। इस पाठ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बनते हैं। पहला प्रश्न है, व्यथा का सरगम कहानी की कथा वस्तु स्पष्ट कीजिए। कथा वस्तु जब आपको स्पष्ट करने के लिए कहा गया है तो आपको इस प्रकार से उसका उत्तर देना है, यह कहानी विभाजन के परिवेश से आक्रांत निरुपाय मनुष्य की करुण कथा है। इस कहानी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जो मनुष्य को झकझोर देते हैं। वास्तविकता में हम खुद को मनुष्य कहते हैं, परंतु हमारे कर्म पशुओं से भी बदतर हैं। विभाजन के दौरान मनुष्य की क्रूर मानसिकता की सबसे अधिक और सबसे बड़ी शिकार स्त्री ही हुई। इस कथा को नायिका बन्नो को मुख्य पात्र बनाकर लिखा गया है। वह ऐसी स्त्री है जिसका दंगों में सर्वस्व लूटा जा चुका है। अब वह शरणार्थी कैंप में है और भयानक अनुभवों, पीड़ाओं तथा साहस को अपने नाजुक से शरीर में समेटे हुए खामोशी से अपनी व्यथा को सह रही है। वहीं एक शाम वह कुछ शरणार्थी नौजवानों के चंगुल में फंसी असहाय मुस्लिम महिला को देखती है और तब वह अपना खंजर उस लड़की के पेट में भोंकने के बाद उसे अपने सीने में उतार लेती है। इस कहानी में विभाजन में सैकड़ों स्त्रियों को जो कुछ अत्यंत क्रूर और भयावह सहने को बाध्य किया, बन्नो के चरित्र के माध्यम से लेखक ने उन सब पर संवेदनापूर्ण दृष्टि डाली है। विभाजन ने बन्नो जैसी असंख्य स्त्रियों का सब कुछ लूटकर उनके जीवन में भयानक शून्यता भर दी है। इन्हें देखकर किसी क्रूर दैत्य द्वारा शापित उस राजकुमारी की याद आती है जिसका सखा भी खो गया है, परिजनों ने भी उसे छोड़ दिया है और अब अकेले ही उसे इस व्यथा के पर्वत को अपने नाजुक कंधों पर ढोना है। इस कहानी में भी लेखक ने बन्नो की स्थिति का वर्णन किया है, किस प्रकार कुछ लोगों ने उसे अगवा किया, उसकी अस्मत लूटने की कोशिश की गई, वह वहां से अपनी जान बचाकर भागी और अब जब उसके आँखों के सामने भी
वही दृश्य किसी और महिला के साथ आया तो उसने इतना कठिन काम किया कि न सिर्फ उसने उस नारी को अपना खंजर भूका, पर उसने उसे अपने सीने में भी उतार लिया। विभाजन के परिवेश में मनुष्य की हैवानियत खुलकर सामने आई है, जिसका शिकार सबसे अधिक मनुष्य को ही होना पड़ा। एक मुस्लिम लड़की पर अनाचार होते देख पहले तो बन्नों के भीतर का पशु तृप्ति का सुख पाता है, क्योंकि वह स्वयं भी इस ऐसे ही नाटक की मुख्य नायिका रह चुकी है। फर्क सिर्फ इतना था कि उस वक्त दूसरी कौम के मनुष्य बन्नों पर अत्याचार करके अपने कौम के लिए खुद को अपने गलत कार्यों से तसल्ली दे रहे थे, और इस बार यह नारी दूसरे कौम की है। किंतु वहशीपन का तो कोई धर्म नहीं होता, और जल्द ही बन्नों को अनुभव होता है कि उस लाचार लड़की और उसमें अर्थात बन्नों में कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों की स्थिति एक समान है। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह एक बड़े से आईने के सामने खड़ी अपना ही प्रतिबिंब उस लड़की में देख रही है। अपने आप को उस लड़की से एकात्म करके देखने के बाद वह उसकी हत्या करके उसको मुक्ति देती है और स्वयं भी आत्महत्या कर लेती है। बन्नों के चरित्र द्वारा लेखक यही व्यंजना करना चाहते हैं कि एक मनुष्य की व्यथा का अनुभव कर दूसरे के हृदय में व्यथा का जो अदृश्य सरगम गूंज उठता है, वह जाति धर्म की संकुचित सीमाओं से बहुत अधिक ऊंचा है। अमृत राय द्वारा जी द्वारा लिखी गई कहानी व्यथा का सरगम का अगला प्रश्न उसकी भाषा शैली के ऊपर बन सकता है। अमृत राय द्वारा लिखी गई कहानियों का कहानी के तत्वों के आधार पर अगर समीक्षात्मक अध्ययन किया जाए तो उनकी कहानियाँ समसामयिक जीवन, सामाजिक समस्याएं, नारी की विविध समस्याएं आदि का चित्रण यथार्थ रूप से करती है। भाषा शैली सरल, सहज, ठोस कथानक, यथार्थ चरित्र चित्रण, बोलचाल की भाषा का प्रयोग आदि के कारण
यह कहानी पाठक के हृदय पर गहरी छाप अमिट प्रभाव छोड़ देती है। लेखक ने पात्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित कर सूक्ष्मता से शोध और समीक्षा की है। लेखक ने कथा तत्व को बहुत अधिक महत्व दिया है। कहानी में रोचकता होने के कारण और अंत में यथार्थ की धरती का चित्रण होने के कारण यह कहानी न सिर्फ पाठकों को बांधे रखती है बल्कि पाठक कहानी के साथ खुद को जुड़ा हुआ पाता है। भाषा शैली की दृष्टि से उक्त कहानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहानी की भाषा दैनिक बोलचाल की भाषा है जिसमें सहज स्वाभाविकता है। जीवित संवादों की रचना तत्सम भाषा शैली से परिपूर्ण सहज पात्र चित्रण उर्दू का सहज प्रयोग अनुभूतियों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति आदि कहानी की भाषा को और अधिक जीवंत बनाते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक कहानी का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है, उक्त कहानी का उद्देश्य भी मनुष्य को यथार्थ में उसका चेहरा आईने में दिखाना आवश्यक है। इस कहानी में मनुष्य के अंदर छुपे पशु को और मनुष्य को किस प्रकार अपने अंदर छुपे पशु को दबा कर सच्ची निर्मल सात्विक भावना से युक्त होकर अपना सच्चा कर्तव्य इंसानियत के प्रति पूर्ण करने की सीख दी गई है।
कहानी में सहज स्वाभाविक और बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। भाषा में बोलचाल के शब्दों तथा अन्य जनवादी तत्वों को मिलाकर भाषा को यथार्थ स्वाभाविक सजीव एवं प्रभावशाली बनाने का प्रयत्न किया है। आज अमावस की रात है, गहरी काली नीरव निस्तब्ध व्यथा का सरगम कहानी में रात के अंधेरे का और सन्नाटे का भयावह चित्रण किया है, जो भयानक और यथार्थ है। जैसे केवल दूर पर कुत्तों के भौंकने की आवाज और कुछ गीदड़ों की, मनुष्य की आवाज तो गाने की एकाध कड़ी के रूप में कभी कभी सुनाई पड़ जाती है। किसी रिक्शे वाले के किसी रोमांटिक फिल्मी गाने की एक कड़ी, वरना सन्नाटा। इस संदर्भ में रात के भयावह वातावरण का बोध होता है। पास के ही किसी घर से शहनाई का व्याकुल स्वर आ रहा है। शहनाई भी अजब बाजा है, जो दुख सुख दोनों में समान रूप से आदमी का साथ देता है। इन पंक्तियों से कहानी में आगे होने वाली घटनाओं का अंदाजा लग जाता है और एक प्रश्न बन्नों के चरित्र चित्रण और सुरेश्वर के चरित्र चित्रण का बनता है। प्रस्तुत कहानी में सुरेश्वर रेलवे ऑफिसर है। वह शहनाई बहुत अच्छी बजाता है, लेकिन जब से उसने शरणार्थियों की स्थिति को देखा है, तब से उसके शहनाई के स्वर उदास हो गए हैं। उसकी शहनाई के स्वरों में उदासी का कारण सुरेश्वर के गहरे मन में एक अत्यंत सुंदरी युवती का आकार है। उसका ध्यान उस युवती की ओर है, जिसको उसने शरणार्थियों की गाड़ी से उतरते देखा था। सुरेश्वर उस युवती के बारे में जानने को इतना उत्सुक हो गया कि उसने उसके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति से बन्नों की स्थिति
जानी। उस व्यक्ति ने उसे बताया कि बन्नों का पति उससे बिछड़ गया था। महायुद्ध में उसने अपने पति को खो दिया था। और दुख की बात तो यह थी कि उसका विवाह कुछ ही दिन पहले हुआ था। दंगाइयों ने न सिर्फ उसके पति को मार दिया बल्कि उसकी अस्मत को भी हानि पहुंचाई। उसके परिजनों ने उसे छोड़ दिया। सुरेश्वर इतना सब कुछ जानने के उपरांत भी उस स्त्री के लिए अपने हृदय में विशिष्ट संवेदना का एहसास करता है। इसी प्रकार बन्नों के चरित्र की बात की जाए तो वह व्यथा का सरगम की मुख्य नायिका है। व्यथा सुंदरी का मानस चित्रण किया है लेखक ने। वह हजारा जिले की एक सीमांत देशीय हिंदू पठान तरुणी है। समुद्र के फेन से निकलती हुई वीनस के समान उस व्यथा सुंदरी का मानस चित्र आंखों के सामने आ जाता है। वह व्यथा सुंदरी होने के बावजूद भी अत्यंत सुंदर थी। सरों की पेड़ की सी लंबाई, स्वस्थ यौवन से भरपूर छरहरा शरीर, सीमांत के कागजी बादाम जैसी आंखें, चंदन सा गौर, सुसंस्कृत मुखमंडल, लंबी सी वेणी, उसके व्यक्तित्व का आकर्षण बनाए हुए थी। मगर सबके ऊपर अंग राग के स्थान पर उदासी का एक गहरा लेप छाया हुआ था जिसने चेहरे के भाव को आमूल ढक दिया था। उसे देखकर कोई उच्छृंखल भाव नहीं उभरता था। उसे देखने के बाद उसकी तरफ लगातार एकटक देखते रहने की इच्छा होती थी। साथ ही साथ यह भी एहसास होता था कि उसके भीतर पूरे वक्त जैसे एक तकलीफ देह कड़ी गुनगुनाती रहती है।
वह इतने भयानक अनुभवों, पीड़ाओं को खामोशी से सहते सहते कुछ कुछ विक्षिप्त सी हो गई थी। बोलने या हंसने में भी अब शायद उसे तकलीफ होती थी। यही नारी जब अपने जैसी दूसरी नारी पर अत्याचार होता देखती है तो कुछ क्षणों के लिए उसके अंदर उस महिला के साथ किए जा रहे अत्याचार को देखते पैशाचिक सुख की अनुभूति तो होती है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके अंदर एक अजीब सी मरोड़ उठी। बन्नों को ऐसा लगा जैसे वह एक बड़े आईने के सामने है। उस लड़की की जगह उसे स्वयं के होने की अनुभूति हुई। बन्नों पूरी ताकत से चिल्लाई और उसने एक दो जवानों पर हमला किया, मगर वे सधे हुए खिलाड़ी थे, बच गए और बन्नों की तरफ लपके, जिससे कि उसके हाथ से खंजर छीन सकें। मगर इससे पहले ही बन्नों ने बिजली की तेजी से दौड़कर उस लड़की के पेट में खंजर भोंक दिया और फिर वही खंजर अपने सीने में भी उतार दिया। दूसरे महायुद्ध के दौरान घटी यह घटना आज भी उतनी ही तर्कसंगत प्रतीत होती है। स्त्रियों की व्यथा का सुंदर चित्रण किया गया इस कहानी में। किस प्रकार मनुष्य के अंदर छुपे पशु की आत्मा को गंभीर संतोष मिलता है, इस कहानी से शरणार्थियों की व्यथा को स्पष्ट किया गया है। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है।